फ्रेंड्स, वेलकम डॉट पीडी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो को टाइटल देखकर आप लोग समझ गए होंगे आज की वीडियो किस पर होने वाली है। आज जो वीडियो होने वाली है वो हेयर हाईलाइट को लेकर होने वाली। मेरे चैनल पर आज ये पहली वीडियो है हेयर हाईलाइट को लेकर। और आप हेयर हाईलाइट करने के लिए मार्केट में आपको स्पेशली बहुत सारे ऐसी क्रीम्स मिल जाएगी से आप अपने हेयर को हाईलाइट कर सकते हैं। बट मेरा इस वीडियो में जो मेन जो प्रोडक्ट है वो है ब्लीच। मैं ब्लीच की हेल्प से वीडियो के अंदर हेयर को हाईलाइट करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। करना चाहते हैं हेयर हाईलाइट तो ब्लीच की क्रीम की हेल्प से आप लोग अपने हेयर को हाईलाइट कर सकते हैं। कैसे आप लोग हेयर हाईलाइट करेंगे इसके लिए आपको वीडियो पूरी वॉच करनी होगी। आप लोग अपने घर बैठे फेस ब्लीच क्रीम से हेयर को भी हाईलाइट कर सकते हैं। मैं फ्रेंड्स पहले मैं आपको यहाँ पर ब्लीच क्रीम दिखा देती हूँ, मैं किस ब्लीच क्रीम से हेयर को हाईलाइट करने वाली हूँ। मेरे पास यहाँ पर स्किन अलाइव की गोल्ड ब्लीच क्रीम है और इस ब्लीच क्रीम की मैंने पहले भी वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है। फेस पर मैंने इसको ब्लीच की है और ये सेकेंड वीडियो है इसी ब्लीच क्रीम की जो कि मैं हेयर को ब्लीच करने वाली हूँ, हेयर को हाईलाइट करने वाली हूँ। फेस ब्लीच क्रीम उसकी वीडियो आप सभी ने देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप लोग उस लिंक के थ्रू जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो आज जो मैं इस वीडियो के अंदर हेयर हाईलाइट करने वाली हूँ, किसी डेमो को लेकर हेयर हाईलाइट करने वाली नहीं हूँ, बट मेरे पास जो डेमो है वो आप लोग देख लीजिएगा। ये जो मेरे पास जो हेयर की लेयर है मैं इस पर अपना डेमो आपको दिखाने वाली हूँ। जो हेयर्स की लेयर है ये फेक नहीं रियल लेयर है, आप लोग इन्हें पास से देख लीजिएगा। ये हेयर्स मैंने कटिंग की थी लॉन्ग टू शॉर्ट हेयर, तो वहाँ पर उनके जो हेयर से बहुत ज़्यादा लॉन्ग थे तो वहाँ वीडियोज ले इस पर मैं आपको डेमो लेकर आऊँ, वीडियो लेकर आऊँ, इसलिए मैंने उनको संभाल के रखा हुआ है। फ्रेंड्स मैं आपको हेयर हाईलाइट करना इसी हेयर के लेयर पर बताऊँगी। इसे व्हाइट बोर्ड पर पेस्ट कर देते हैं ताकि अच्छे से हमें दिखाई दे। लेयर को मैंने व्हाइट बोर्ड पर पेस्ट कर दी है, आप लोगों को दिख रही होगी ये लेयर, आप लोगों को ये लेयर दिख रही होगी और इसमें बहुत ही अच्छे से क्लियरली पता चल जाएगा कि हेयर कितने ज़्यादा हाईलाइट हुए हैं कितने नहीं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम लोग स्किन अलाइव गोल्ड ब्लीच को किस तरह से तैयार करें ताकि ये हेयर हाईलाइट का काम करे। तो चलिए फ्रेंड्स इसका जो टेक्सचर है वो तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो ब्लीच क्रीम के अंदर दो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है हमारे पास ब्लीच क्रीम के अंदर। मैं यहाँ पर जितनी क्रीम लेने वाली हूँ, जितनी मैंने क्रीम ली है आप लोग देख सकते हैं, उसका हाफ हमें एक्टिवेटर लेना है। और क्रीम में मैंने एक्टिवेटर डाल दिया है और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अंदर एक्टिवेटर मिलाते हैं तो उसमें थोड़ा सा एक फ्लपी पर आ जाता है, एक क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए मिलाते मिलाते क्वांटिटी कितनी ज़्यादा हो गई है। आप दो से तीन मिनट से अच्छे से मिला लिया है और पेस्ट वो तैयार हो जाता है हाईलाइट करने के लिए। फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस लेयर पर डेमो बता रही हूँ, नेक्स्ट जब मेरी हाईलाइट के ऊपर वीडियो होगी तो मैं आपको लाइव डेमो लेकर आऊँगी, उनके हेयर्स पर आपको हाईलाइट करके दिखाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स हमारा जो तैयार किया हुआ टेक्चर है उसे हम हाईलाइट के लिए अप्लाई करना शुरू करते हैं। इस तरह से हमें ब्रश में लेना है और जितने हमें हेयर हाईलाइट करने हैं वो इसके अंदर हमें कवर करने हैं। फ्रेंड्स मैंने आधे जो लेयर्स हैं वो ब्लीच क्रीम से कवर कर दी हैं, अच्छे से उन पर लगा दी हैं, आप लोग देख सकते हैं ऊपर नीचे से अच्छे से उनको कोट कर दिया है। और हमें लेना है एल्यूमिनियम पेपर, इस तरह से रैप कर देना है। काम करने के बाद आप छोड़ दीजिए इन्हें आधा घंटे के लिए। 25 से 30 मिनट के बाद इसका रिजल्ट देखते हैं कितने हेयर हाईलाइट होते हैं। तो आप लोग वीडियो छोड़ के जाइएगा मत, यहाँ तक आपने देखी है तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो भी आप लोग देखिएगा और देखिएगा वीडियो में और कमेंट के साथ मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हम इस आफ्टर 30 मिनट इस लेयर को खोल कर देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट क्या रहा है। सो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो सेलो टेप है इसको यहाँ से हटाऊँगी एंड उसके बाद मैं यहाँ से रैपर हटाऊँगी, उसको फिर नॉर्मल वाटर से वॉश करके आप लोगों के सामने आती हूँ, तक आप लोग वेट कीजिए।
था, लेकिन अभी कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि हेयर्स जो है गीले हो चुके हैं। थोड़ा सा इनको ड्राई कर लेते हैं, क्लियरली पता चले कि कितना हमारे जो हेयर का जो लाइट हेयर के जो कलर है वो लाइट हुए हैं। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेती हूँ ड्रायर की हेल्प से। हो चुके हैं बिल्कुल, आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को कुछ फर्क नजर आ रहा है हेयर हाईलाइट में। ये देखिए आप लोग थोड़ा पास से देख, आप लोग पास से देखिए कुछ आपको फर्क नजर आ रहा है हेयर्स, वो इस लेयर के अंदर हाईलाइट का कुछ फर्क नजर आ रहा है। सो कैमरे में इतना ज्यादा क्लियरली नहीं दिख रहा, लेकिन सजेस्ट किया है मैंने इसको, इसमें जो हेयर हाईलाइट हुए हैं उनका कलर चेंज, उनका जो कलर चेंज है मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोग यहाँ से देखिए ऊपर वाले कलर में आप इनको मैच कीजिए। लाइट हेयर चाहते हैं तो आप लोग एक्टिवेटर की क्वांटिटी को ब्लीच क्रीम के अंदर को और थोड़ा ज़्यादा कर दीजिए, जिससे कि आपके जो हेयर का जो कलर है हाईलाइट कलर है वो और भी लाइट आपको मिले। छोटा सा वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और डॉट वीडियो डिफ्यूल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो बस इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।